Lamborghini. Wow, this is the first video, and look, Lamborghini. Wow, but why it is silent? तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। ये व्लॉग थोड़ा सा अलग है, जिसकी शुरुआत हुई है लैम्बोर्गिनी से, और कुछ और भी चेंज है इस वीडियो में, अगर आप देख सकते हैं तो समझ जाएंगे देख के। बाकी बहुत दिन बाद अपना ये व्लॉग आ रहा है, और मस्त लगती है यार लैम्बोर्गिनी तो, पहली बार देखी है रियल में। येलो कलर की आ रही है पीछे पीछे, कोई नहीं, आज हम भी धीरे ही चलाएंगे, भगाएंगे नहीं, कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है तो उसे देखेंगे। मेरा ध्यान बार बार लैम्बो की तरफ जा रहा है, और लैम्बो इज कमिंग, यू कैन सी इन द मिरर। एंड आई होप ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो। यू कैन सी दिस इज द लैम्बो, बट वाई इट इज साउंडलेस, मेक इट लिटिल साउंडी। थोड़ी साउंड होती है तो अच्छी लगती है लैम्बो। देखते हैं कहाँ तक चलती है लैम्बो अपने साथ में। अपने को यहाँ से लेना है राइट, पता नहीं आपा कब इतने अमीर होंगे कि ऐसी ऐसी गाड़ियाँ ले पाएंगे। कोई नहीं, आप लोगों का साथ रहेगा और चैनल अच्छे से ग्रो करता रहेगा, तो आई होप कुछ सालों में अपना ये भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके फैमिली में हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल। अभी तक अपने 1K पूरे नहीं हुए हैं, और लगभग 6 महीने होने को आए हैं, सब्सक्राइबर काफ़ी कम हैं, तो उन्हें जल्दी से बढ़वाइए। तो जी, लीन तो हो जाती है सही अपनी, और लीन तो कुछ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो ये अपने पैर रखने वाले स्टैंड होते हैं, ये भी मैं घिस चुका हूँ अभी 3-4 दिन पहले। हुआ गया था, राइट तरफ का लीन लिया था ऑफिस जाते हुए, तो लीन कुछ ज़्यादा ही हो गया, और जो फुट रेस्ट होता है, फुट रेस्ट घिस गया। चलो जी, खिंची मारते हैं, थोड़ा खिंचा मारते हैं, और आई नो ट्रैफिक है, बट थोड़ा सा संभाल के मारेंगे। आप लोग भी खींचो यार बाइक को, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से ब्रेक वगैरह, जिससे कि कंट्रोल कर सको। तो जी, मैं कह रहा था अपना, आप लोग खींचो बाइक को अच्छे से, बट थोड़ा ध्यान से, अगर जितना आप कंट्रोल कर सकते हो उतना ही खींचो बाइक को, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि अंधाधुंध खींचे जा रहे हो लड़की वाली के चक्कर में, लड़की देख ली और भगाना अपना शुरू ना, या कोई बाइक वाला मिल गया वो भगा रहा है तो उसके पीछे पीछे लगा दी कि भाई तू फिर से आगे कैसे, मैं तेरे से आगे निकलूंगा। इस चक्कर में मत रहना, जितनी कंट्रोल कर सको उतनी भगाना, फालतू में भगाने की ज़रूरत नहीं है, पता चला आगे जाके लेटे हुए पाओगे।
और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाइक चलाते हुए मैं थोड़ा सा सॉन्ग्स वगैरह, जैसा कि आप देख ही रहे हो, इसमें दिख भी रहा है, मैं वो भी अपना करता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कान बिल्कुल बंद कर लेता हूँ, फुल वॉल्यूम में दोनों कानों में लीड लगा के और अपना बंद, इधर उधर का कुछ नहीं सुनना, ऐसा नहीं है। एक कान में लगाता हूँ, हाफ वॉल्यूम रखता हूँ, जिससे कि मुझे इधर उधर का सुनाई दे सके। तो इसीलिए अपना भगाओ बाइक मस्त, बट उतनी जितनी कंट्रोल कर सको। और उल्टे सीधे जो कट मारते हैं लोग, करने से कुछ नहीं होता, खाली पीली अपना यह नुकसान होता है। तेज चलाओ, कंट्रोल वे में चलाओ मस्त अपना, और हर राइड को एंजॉय करा करो यार। बाइक में आप देख रहे हो इसका किलोमीटर ऑलमोस्ट होने ही वाला है, 47-12 हो गया है, और 4,500 से 5,000 किलोमीटर के बीच में करानी होती है सर्विस, तो अपनी सर्विस वीडियो हो चुकी है। आई होप सैटरडे को जाके मैं सर्विस इसकी करा लूँगा, और इंजन ऑयल चेंज नहीं होना है, बट मैं चेंज कराऊँगा, क्योंकि यार बाइक ठीक ठाक चलती रहे तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसलिए इंजन ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा इसका, और एयर फिल्टर भी देखना है यार। इसका एयर फिल्टर अगर K&N या किसी और अच्छी कंपनी का परफॉर्मेंस फिल्टर मिल जाता है तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस टाइम इसकी साउंड कुछ भी नहीं है, और जब तक बाइक में थोड़ी बहुत साउंड नहीं होती तब तक मज़ा नहीं आता। क्या हो गया, कैसे एकदम ही अटक जाते हैं लोग। तो जी 15 अगस्त कैसा रहा आप लोगों का, हमने तो खूब पतंग उड़ाए यार, कलर भी चेंज हो गया अपना। तो इंडियन से साउथ अफ्रीका वाला बन गया हूँ यार मैं भी। ऐसे मौसम सही था बट उसके बाद भी ये चालान ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट वाले चालान कट रहे हैं। मास्क दिल्ली में फिर से कंपलसरी हो गया है, मास्क लगा रखा है, मास्क के अंदर पसीने आ रहे हैं बस। तो भाई जैसा कि मैं बता रहा था, अभी बाइक में सर्विस होनी है, सेकंड सर्विस शेड्यू हो चुकी है, तो अगर सर्विस सेंटर वालों ने परमिशन दी तो उसका पूरा पूरा व्लॉग बनाऊंगा मैं अंदर सर्विस सेंटर के अंदर, की कैसे सर्विस हो रही है बाइक की, और क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या डल रही हैं, तो पूरा व्लॉग आएगा उसका भी जल्दी। तो बाकी इसके जो क्रैश गार्ड थे वो भी अवेलेबल हो गए थे, और मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, वो भी लगभग 10 से 15 दिन में आ जाएंगे। मैं चाह रहा था थोड़ा पहले आ जाते तो सर्विस सेंटर जब जाते सर्विस करवाने के लिए, तभी अपना उन्हीं से इंस्टॉल करा लेते, वो लोग थोड़ा अच्छे से कर देते यार, बट लगता नहीं है कि आ पाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि लगभग 3-4 दिन बाद तो वो अभी डिस्पैच होंगे। और तब तक अपनी बाइक की सर्विस हो जाएगी, कोई नहीं, देखेंगे फिर करोल बाग जाके। एक दो काम और हैं इसमें, चीज़ें इंस्टॉल करवानी हैं। तो भाई काफ़ी टाइम से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि दिल्ली में बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो बारिश ही हो जाती थी यार, कोई ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रही, बाकी राइड वाइड भी सब बंद पड़ी हैं, इसलिए वीडियो भी काफ़ी टाइम बाद आई है। तो जी बाइक के क्रैश गार्ड तो हमने मंगवा लिए हैं, लेकिन सैडल स्टे लगवाना है अपने को, तो वो हमें बनवाना पड़ेगा, बनवाने के लिए जाना पड़ेगा करोल बाग। अगर जाना पे अवेलेबल हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, थोड़े से कॉस्टली पड़ेंगे, लेकिन यार ये है कि चीज़ अच्छी लग जाती है। जाना एक इंटरनेशनल ब्रांड है और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रखता है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है मिल जाएगा अगर स्टॉक में होगा तो। बाकी चल के पता करेंगे यार, अब बनवाएंगे अपना,
अच्छे से हैवी से सैडल स्टे। बाकी मन तो मेरा ये भी है कि यार इस पर टॉप रैक लगाऊं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हेलमेट रखने की जगह नहीं होती और फिर कहाँ रखो, हाथ में लेके घूमना पड़ता है उसे। तो उससे बढ़िया है अपना टॉप रैक एक लगवा लिया जाए अच्छा सा करके, उसमें रख दो। कोई नहीं, देखेंगे वो भी क्या पड़ता है उसका, कब तक लगता है। ये देखो कहाँ बैठ के चला रहा है। जैसे हम बचपन में साइकिल चलाते थे, आगे गद्दी छोड़ के पीछे कैरियर पे बैठ के चलाते थे, कुछ लोग उस तरीके से स्कूटी को चलाते हैं। मैंने देखा है, बल्कि बाइक भी चलाते हैं कुछ लोग, पीछे वाली सीट पे बैठेंगे, लंबे होते हैं तो पीछे वाली सीट पे बैठ के और फिर बाइक चलाते हैं। इस तरीके से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो नहीं करना चाहिए यार, थोड़ा ढंग में चला लो। और अगर बाइक या स्कूटी तुम्हें छोटा पड़ रहा है यार, बड़ा ले लो। ये देखो हम कहीं नहीं देखेंगे, हम बस अपना भगाएंगे, बस ये है लोगों का सारा। किसे कहाँ जाना है ये नहीं पता, कहाँ मुड़ना है, क्या करना है, कैसे करना है ये नहीं पता, बस चलने से मतलब। तो जी चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना घर आने वाला है, भीड़ भाड़ आने वाली है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और अपने घर वालों से, दोस्तों से, सभी से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जल्दी से 1K करने अपने आप को पूरे, और करेंगे कुछ थोड़ा सा बड़ा करेंगे 1K होने पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।